जो तूने अपने पापा की गाड़ी ठोक दी, फिर भी तेरे पापा ने तुझे कुछ नहीं कहा। वरना पिछले हफ्ते ड्राइवर की वजह से भैया की गाड़ी में ना हल्की से खरोच आई थी। मालूम है तेरे पापा ने उसके साथ क्या किया? तो क्या किया पापा आपने? बेटा बिजनेसमैन हूँ, हिसाब बराबर किया और किया। मतलब? अरे मतलब उसने भैया के गाड़ी में निशान बनाया था और भैया ने उसके गाल पर निशान बना दिया। रफाक सटा के सब मारा कि अरे भैया। लेकिन बेटा आगे से ध्यान रखो, क्या है ना भैया अपनी चीजों को लेकर काफी इमोशनल हैं। अरे ओए, तो बना रहा है, कोने में खड़ा खड़ा खुद पी रहा है और ड्रिंक लेगा मेरी? लाए साहब जी। काम क्यों रहा है? हाँ संभाल के रख। अरे क्या बको? एक ही क्या तूने? कहाँ था पकड़? मार डालूँगा यहीं। साहब बैठ जा, बैठ जा। गलती हो गई ना, कोई बात नहीं। गिलास ही तो था। साहब गलती होगी, वो हाथ से गिलास। फिर वही बात, वही कांच का टुकड़ा तेरे से ज्यादा कीमती थोड़ी ना है। आजा आजा, उठा ले भाई, किसी के लग जाएगा नहीं तो। उठा। अरे ये ग्लास ना एक बॉक्स में दर्जन भर मिलते हैं, लेकिन तू तो एक ही है, इकलौता मेरा वफादार। लेकिन तुझ जैसे दर्जन भर भी बेच के आओ ना, बदले में ऐसा एक भी ग्लास नहीं मिलने वाला, समझा? अभी पगार में से काट। ये जो तूने किया है ना, उसके बाद तुझे पगार देने वाला कौन है? अब बड़े बड़े मुंह क्या देख रहा है? चल जाके दूसरा ड्रिंक बना के ला। चल सुन, ऐसा ग्लास संभाल कर लाना, वरना टूट गया ना तो तुझे भी बसंती कर कांच के टुकड़ों पर नचाऊंगा। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है? आपके कपड़े चेंज करवा देता हूँ। आयो तू ठीक करा, चल 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 चल। हेलो, और मुंह में जुबान नहीं है क्या? हेलो हेलो, अरे बोलो कुछ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तूने मेरे भाई को क्यों मारा? बोल। ए रुक जा, ए छोड़ो 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 बढ़िया बढ़िया, ए छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे भाई को। अरे इसने मेरे भाई का खून। सब शांत हो जाओ, हमें अपना काम करने दो, सबको सामने आ जाएगा, समझा? बड़ी सफाई से और तो कहीं कुछ देख नहीं रहा है। बेचारे को अपने आप को बचाने के लिए वक्त भी नहीं मिला होगा, गले की ऐसे नस काट दिए एक झटके में खत्म। है तो कोई अंदर वाला ही आदमी साहब। तो बताओगे एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या था यहाँ पर? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मोनू ने ही निर्जर को मारा होगा? क्योंकि उस वक्त छत पर इनके और मोनू के अलावा और कोई नहीं था सर। आप कहाँ थे? मैं नीचे किचन में थी,
हमारी कुक के साथ। और ये दोनों तो यहीं पे थे ना छत पे? नहीं सर, हम नीचे गए थे कमरे में। सर इसने ना मेरे कपड़े पर वाइन गिरा दिया था, तो कपड़ा बदलने के लिए मैं इसके अमन के साथ नीचे गया था। तो मतलब कुछ देर के लिए तुम लोग जब गए थे नीचे, तब किसी ने निर्जर को मारा है? अरे सर किसी ने नहीं, इसने मेरे भाई का खून किया। इसने मेरे भैया का वाइन का ग्लास इसने तोड़ दिया, तो भैया ने इसे मारा और बदले में इसने मेरे भैया का खून कर दिया। इसने ही खून किया सर। मैंने नहीं मारा साहब जी को, मैं तो दूसरा गिलास लाने के लिए गया था, तो साहब पे मेरे सामने हमला हो गया और डर के मारे मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। तुमने हमला होते हुए देखा था? जी साहब। सर आप इसकी बातों में बताइए कि बकवास कर रहा है ये। सर मैंने कहा ना सर, इसने ही खून किया सर। ये शकल से खून ही लगता है। नहीं साहब मैंने खून नहीं किया साहब, हमें पहली बार थोड़ी ना मारे थे। 10 साल से उनकी गालियां खा रहा हूँ कि मार खा रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी थी। मेरी हिम्मत कहाँ की मैं साहब को? नहीं साहब मारना तो दूर, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ साहब। तो किसने मारा मेरे पति को? भगवान ने मारा। ए, क्या बोला? भगवान ने मारा? मैंने कहा ना सर ये बकवास कर रहा है ये। एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? भगवान ने मारा, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? वो तो नहीं पता साहब, साहब मेरे सामने खड़े हुए थे और देखते ही देखते उनका गला कट गया। साहब ना तो कोई चाकू, ना कोई खंजर, कोई हथियार भी नहीं, और कोई हथियार चलाने वाला भी नहीं साहब। कोई हथियार नहीं था? हाँ साहब, अचानक से उनका गला कट गया। ये सब भगवान ने उनके कर्मों की सजा दी है। बंद कर अपनी बकवास। अरे सर इसने खून किया मेरे भैया का, मैं बोल रहा हूँ ना। शांत हो जाओ। सर आप इसकी बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? तुमसे किसने कह दिया कि हमने इसकी बात का यकीन कर लिया? हाँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, समझे? सर ये मोनू को समझ में नहीं आ रहा है, नाटक तो नहीं कर रही है? अभिजीत अगर ये मोनू नाटक कर रहा था तो किसी और के नाम पे डाल देता खून, है ना? ये सब भगवान का चमत्कार वगैरह, ये अजीबोगरीब कहानी नहीं बनाता वो। शायद गुमराह करने के लिए सर। हो सकता है इसने इस वाइन ग्लास के टुकड़े को उठाया और अपने मालिक का खून कर दिया। ये लाश के आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं सर, और इन पे खून भी लगा हुआ है। अभिजीत अगर मोनू निर्जर का गला काटता तो उसके बदन पर, उसके हाथ पर कहीं तो खून के छींटे होते, कुछ भी नहीं है। देखो और तो और निर्जर का गला देखो। अगर कोई कांच से गला काटता तो सीधे ऐसे काटता, आड़ा हॉरिजॉन्टल काटता, वर्टिकल कट नहीं मारता। देखो इसके गले पर वी शेप में 2 लगभग वर्टिकल कट्स हैं, और वो भी 2 अलग अलग जगह पे, एक इस तरफ है एक इस तरफ। 2 बार तो कोई गला नहीं काटेगा। फिर भी सर इस मोनू की बात पे विश्वास करना तो मुश्किल है। एक ही कर सकते हैं, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज देते, सारंगे को कहते हैं कि देखो चेक करो अच्छी तरह से, ये जो गले पे निशान है क्या उसमें कांच के टुकड़े हैं क्या? पर यहाँ पे एक ही चीज है जिससे खून किया जा सकता है, ये कांच। कांच। अंकिता तरह बताओ क्या तुमने किसी को तुम्हारे घर के अंदर आते जाते देखा? नहीं सर, कोई और आता तो मुझे जरूर पता चलता। और आप दोनों पूरी टाइम वहाँ पे कमरे में ही थे क्या? जी सर। आपने इन दोनों को देखा था कमरे में जाते हुए? हाँ, और इन्होंने भी मुझे देखा। सर इसका मतलब ये है कि बाहर का कोई आदमी घर के अंदर से नहीं आया? फिर तो घर के बाहर से आ सकते हैं, ये पाइप वाइप से। एक काम करो, इन सब की स्टेटमेंट्स ले लो, इस कुक के भी, और मैच करके देखो, देखो कितना सच बोल रहे ये लोग। और अंकिता तुम बैठ जाओ। आइए आइए चलो। निर्जर का गला काटने के लिए खूनी इसके नजदीक तो आया ही होगा, या नजदीक पहुंचा कैसे? सर शायद पाइप या एसी वेंट से चढ़कर आया हो। एक काम करो, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या उन्होंने किसी को पाइप से बिल्डिंग में चढ़ते हुए देखा है क्या। सर
रेडी सर। रेडी, काम करो, इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर खूनी ऊपर पहुंचा कैसे? इस बिल्डिंग को 20 फ्लोर है, शायद खूनी ने 8-10 फ्लोर के बाद बाहर से चढ़ना शुरू किया होगा। हो सकता है सर, शायद इस वजह से बाहर कैमरा में आए नहीं। जी आप? मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। यहाँ आपके बगल वाले बिल्डिंग के छत पे एक आदमी का खून हुआ है। मैं आपसे ये पूछने आया कि आपने या आपके घर में किसी ने कुछ देखा है क्या? जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ मेरा बेटा बंदी कह रहा था कि उसने वहाँ कुछ देखा है। क्या क्या देखा है उसने? आप अंदर आइए ना प्लीज। अरे सुनो, क्या हुआ, कौन है? ये सीआईडी से है, बता रहे हैं पास वाली बिल्डिंग में किसी का खून हुआ है। क्या आपके बेटे ने क्या देखा? सर मेरे बेटे ने जो भी बताया वो बड़ा अजीब सा था कि क्या कि मैंने उसे उसी वक्त डांट दिया, मुझे लगा शायद उसका कोई वहम होगा। क्या क्या बता रहा था वो? सर हमारा बंदी तो आजकल वैसे ही मनगढ़ंत बातें करता रहता है, शायद ज्यादा टीवी देखने का असर है ये। सर हमें लगा ये भी ऐसा ही कुछ होगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये सब मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा है, वो आदमी मर गया ना सर। हाँ बेटा, तुमने देखा उस आदमी को किसने मारा? किसी को बिल्डिंग पे चढ़ते हुए देखा ऊपर आते हुए? कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, तो फिर तुमने किसको देखा? उसी को जिसने खून किया। किसने किसने खून किया? एक बहुत बड़े बैट ने। बैट ने मतलब चमगादड़ ने? हाँ, ये सब मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा है, मैं रोज रात को अपने टेलीस्कोप से स्टार्स को देखता हूँ। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। चलो दिखो। मैंने ये सब यहाँ से देखा सर। यहाँ से? हाँ। मैंने सच में देखा था अंकल। बेटा आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? बैटमैन। ओह बैटमैन, ठीक है, आपने आज सीआईडी की बहुत मदद की। थैंक यू, मैं चलता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सर। तो पूरे बिल्डिंग में पता किया, डेड एंड है, किसी ने भी किसी को बिल्डिंग में चढ़ते देखा नहीं सर। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया सर, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इंसानों ने नहीं देखा, कैमरों ने नहीं देखा, ये खूनी है या मिस्टर इंडिया? रेडी, ये खूनी कांच की तरह ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, हमारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, ये कांच। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है, इसके गले के घाव में से कांच का टुकड़ा मिला है। मतलब सर, मोनू ने टूटे हुए कांच से इनका गला काटा और इनकी जान ले ली? हाँ लगता तो वैसे, मगर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि जो दिखता है ये केस वैसा नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह से। हाँ नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वाइन ग्लास के कांच के टुकड़े को और उसके घाव में से जो कांच का टुकड़ा मिला उसको, दोनों को मैंने अच्छी तरह से टेस्ट किया। तो दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग। देख सर, उनके दिमाग खराब मत कर यार, जो है वो सीधे सीधे बता देना यार। सीधी सीधी बात ये है भाई कि वाइन ग्लास के कांच के टुकड़े से इसका गला नहीं काटा गया। तो फिर देखना चाहते हो? आओ देखो, ये है वाइन के ग्लास का टुकड़ा और ये देखो, ये है वो कांच जो इसके गले के घाव में से मिला है। दोनों की कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है। वाइन का ग्लास बहुत ही महंगे क्रिस्टल से बना हुआ है और इसके गले में से जो कांच का टुकड़ा मिला है वो बहुत ही साधारण सा, बहुत सस्ता सा, घरेलू काम में इस्तेमाल किया जाने वाला कांच है। वाइन ग्लास के कांच से खून नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि मोनू ने खून नहीं किया।
लेकिन हमें वहां पे तो दूसरा कोई कांच का टुकड़ा मिला ही नहीं। यार सड़के, अगर वाइन ग्लास के कांच से नहीं गला काटा है तो फिर कौन से ग्लास से काटा है? एक और बात, ये जो कांच का टुकड़ा इसके गले में से मिला है, उस कांच के टुकड़े पर काले रंग की डाई और गोंद मिला है, गम। काले रंग की डाई, गोंद। जिसने खून किया वो वहां नहीं था, जिस कांच से खून किया वो भी वहां नहीं था। अब मैं यहां हूं कि मैं भी नहीं हूं? काले रंग की डाई और गोंद, ऐसा कौन सा कांच होता है? किससे काटा होगा और उसी कांच से काटा तो क्यों काटा? अबजी, काटने की बात की ना तूने, पतंग के बांझे से भी तो काटा जाता है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब सालुंखे, बचपन में तूने कभी पतंगे उड़ाई है? नहीं नहीं, मैं बहुत स्टूडियस बच्चा था। तेरी की यार, हम सब ने पतंगे उड़ाई है और पतंगे काटी भी है दूसरों की, मांजे से, पतंग के मांजे से। उसके ऊपर कांच का चूरा और गोंद लगाई जाती है मांजा बनाने के लिए। लेकिन पतंग के मांजे का कांच इसके गले में कैसे पहुंचा होगा? सर, वो बच्चा बनी, वो कह रहा था कि उसने टेलीस्कोप में एक बड़े से बैट को इस आदमी को मारते हुए देखा था। बैट को? चमगादड़? हाँ सर, वो बैट जैसा कुछ हो सकता है, कुछ और हो। जैसे कि? जैसे कि पतंग? काले रंग की? हाँ यार, पतंग। हाँ, हमने सुना है ना कि पतंग के मांजे से हाथ कट जाता है। हाथ कट सकता है तो फिर गला क्यों नहीं कट सकता? मतलब किसी ने पतंग उड़ा के इस मिजर का खून किया है। दया, मांजे से ही क्यों? यार अगर सामने वाली बिल्डिंग में खड़े रहकर गोली भी चलाता तो भी मर जाता है। मांजे से ही क्यों? पतंग के मांजे से ही क्यों? फिर है कौन ये पतंगबाज जिसने ये किया है? अभिजीत, ये निर्जर जब मौत हुई तब यहाँ खड़ा था, है ना? लेकिन हाइट इतनी है। पंकज जरा आओ तो। और सर, फिर उसके गले पे दो निशान पड़े ऐसे। और अगर खूनी पतंग उड़ा रहा था तो फिर यहीं कहीं खड़ा होगा उस तरफ। लेकिन सर, ये मांझा एकदम सीधे तो नहीं रहता, हवा में हिलता रहता। तो इसीलिए तो ये हम तय नहीं कर सकते कि खूनी कहाँ खड़ा होगा, किस तरफ खड़ा होगा। हवा का भी पता नहीं रहता ना सर, कभी इस तरफ बहती है तो कभी उस तरफ बहती है। वो कहते ना सर कि रुख हवा का हो जिधर का उधर के हम है। और जिधर हवा का रुख, रुख पतंग का भी वही है। भाई पतंग उधर से ही उड़ेगी ना जिधर से हवा चल रही है। सर, कल रात हवा किस तरफ चल रही थी? अभी पता लगाते हैं। हेलो। हेलो, हम मौसम विभाग जी। हमें सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए। अगर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कल रात 1 बजे हवा किस डायरेक्शन में चल रही थी, किस दिशा में चल रही थी हवा? सर, कल रात 1 बजे हवा साउथ ईस्ट की तरफ चल रही थी सर। ओके, थैंक यू। साउथ ईस्ट की तरफ से हवा चल रही थी। अगर हवा साउथ से आ रही थी तो खूनी भी साउथ में ही होगा, पतंग यहाँ पर थी और इस वक्त भी हवा साउथ से ही आ रही है। साउथ मतलब यही बिल्डिंग है 1, 2, 3। ये निर्जर, निर्जर के गले पर जो मांजे के निशान है, घाव के निशान है, वो काफी वर्टिकल है, यूं ऐसे है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मांजा नीचे से ऊपर की तरफ आया था। सर मतलब पतंग जिस बिल्डिंग से चगा रहे थे वो इस बिल्डिंग से छोटी थी हाइट में? हाँ पंकज, एग्जैक्टली। छोटी बिल्डिंग तो ये है सर, ये 1 और वो 2 और वो 3। साउथ ईस्ट तो सर वो बिल्डिंग वन विहार। खूनी उसी बिल्डिंग में खड़ा होगा वन विहार में। लेकिन सर, तो कन्फर्म कैसे करेंगे? पतंग उड़ा के करेंगे। पतंग उड़ा के? हाँ अभिजीत। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किस किस को पतंग उड़ाना आता? सर मैं बहुत अच्छी उड़ाता हूँ सर। पतंग उड़ा ले। अच्छा, लेकिन इस बार नहीं। इस बार पतंग मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि हर बार तुम लोग मजे लूटते हो हर बात में। मतलब सर, आप पतंग उड़ा के पंकज को मारने की कोशिश करेंगे? ये क्या क्या बोल रहे सर आप? डरते हो पंकज? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, मरने से डरते हो? सीआईडी ऑफिसर वो होता है जो देश के लिए, लोगों के लिए अपनी जान निछावर करता है। चाहे पतंग से गला काट के ही क्यों नहीं। क्या बोल रहे हो सर?
चढ़ जाओ सूली पे, चढ़ जाओ सर। होता है कभी कभी, चढ़िए। चलो चलो। अभिजीत अरे जरा ढील दो, ढील दो। हाँ बता। वाह सर वाह। अभिजीत अभिजीत। यस सर। पूरा ढील देना। जा जा। अभिजीत सर की पतंग कट गई। हाँ हाँ। अरे यार। अरे वाह सर वाह। आप पतंग को ना एक बार उस पुतले तक लेके जाइए, हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। अरे नहीं यार फ्रेडी पकड़ लो, ये नामुमकिन है। कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हवा की दिशा, फिर वो एंगल, हाइट। सर अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। मगर सर शाहरुख के साहब तो श्योर थे, गर्दन मांझे से ही कटी है। सर हो सकता है मांझा ही हो, पतंग हो ही ना। इस निर्जर के केस को किसी और तरीके से सुलझाना पड़ेगा। कोई और तरीका? हाँ, निर्जर की मौत से किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है उसे ढूंढना पड़ेगा। सर अगर आपकी परमिशन हो तो ये सब प्लान चेंज करने से पहले मैं किसी के आदमी से बात करना चाहता हूँ। किससे? नाम तो नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा सर उसे। भाई पतंग उड़ाने के लिए आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। क्यों? पतंग उड़ने से पहले नाम और उम्र पूछती है क्या? हाँ अगर आप जानना चाहते तो मैं बता देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आया। कहिए। अतः भाई ये बताइए क्या इस तरह के मांझे से किसी की जान ली जा सकती है, मतलब गला काटा जा सकता है? अरे क्या कह रहे हैं जनाब, ये तो मेरी रोजी रोटी है, ये तो मेरे परिवार का पेट पालने के लिए, ना कि किसी का गला काटने के लिए। अल्ताफ भाई फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। यहाँ बाजार में सबसे पूछा तो सबने यही बताया कि यहाँ सबसे समझदार और जानकार आदमी इस पेशे में आप ही हैं। मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? सुना तो कई बार है जनाब, और अखबार में भी पढ़ा है कि मांझे से लोगों का हाथ कट जाता है। तो क्या मांझा इतना तेज हो सकता है कि कोई उससे किसी की जान ले ले? जनाब पिछले कई सालों में बहुत से कानून आए हैं जो मांझा एक हद से ज़्यादा तेज़ नहीं बना सकते। अब इसी को देख लीजिए, आजकल ऐसे मांझे बनते हैं रुई के, कांच के नहीं, और सस्ते से सस्ता है, और उड़ाने में भी उतना ही मज़ा आता है। अल्ताफ भाई कोई तो होगा जो इतनी तेज़ मांझा बनाता है कांच वाला, और लोग खरीदते भी होंगे। चोरी छुपे तो यहाँ हर किस्म के काम होते हैं। मुझे नहीं लगता जनाब ये मांझा बनाने वाले किसी एक का काम है, और अगर बनाना भी पड़ता होगा तो कांच का मसाला उसको खुद ही बनाना पड़ता है और खुद ही उसको लगाना पड़ता है। ये बड़े जोखिम का काम है, इसमें उंगलियां भी कट सकती हैं। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में वो तेज मांझा बनता था, लेकिन आजकल बच्चों के पास ना तो टाइम है ना हुनर है। हाँ, आजकल के बच्चों में तो नहीं है, हो सकता है ये खूनी आप ही की पीढ़ी का हो। अच्छा इस तरह का मांझा बनाने में कौन सा कांच इस्तेमाल होता है? किसी भी तरह का चल जाता है। अब जैसे ये है, ये सस्ते में सस्ता है, और ये बल्ब के टुकड़े से भी बनता है, चाहे आप ट्यूब लाइट उसमें लगा दीजिए तोड़ के। तो कांच के जरिए पता लगाना मुश्किल है। अच्छा अल्ताफ भाई अगर आपको ये काम करना होता तो आप कैसे करते? दुनिया में चंद ही लोग होंगे जिनके हाथों में ये हुनर है। हम जानते हैं अल्ताफ भाई, इसीलिए तो मैं आपके दरवाजे पे आए। बड़ी मेहनत का काम है साहब, पतंग किस जगह पर उड़ाना है, किस ऊंचाई पर, हवा का रुख, रफ्तार, सब सही हो
कभी निशाना सही लग सकता है। शुक्रिया अल्ताबाई, शुक्रिया। सर सर ये वो लोगों की सस्पेक्ट लिस्ट है जो निर्जर को मार सकते हैं। इतने सारे दुश्मन इस निर्जर के? सर वो बहुत ही स्वार्थी और बेरहम बिजनेसमैन था, बहुत लोगों को धोखा दिया था उसने। सर इनमें से किसी ने बदला लिया होगा? पॉसिबल है सर। सर ये वो केसेस है जो निर्जर के ऊपर फाइल हुए थे, इनमें से ज्यादातर कंप्लेंट उसके एक्स एम्प्लॉइज के है, जिनका कहना है कि निर्जर ने उन्हें सैलरी नहीं दी थी। कमाल है, इतना बड़ा बिजनेसमैन और अपने वर्करों को पगार नहीं देता था। बिजनेस लॉस में जा रहा था क्या? अरे नहीं सर, उसके भाई से पता चला है कि अपने 300 एम्प्लॉइज की सैलरी ना देनी पड़े, इसीलिए निर्जर ने अपने आप को कोर्ट में दिवालिया घोषित कर दिया था। वाह रे वाह, बड़ा चालाक है। कानून का गलत इस्तेमाल किया, अपने आप को दिवालिया घोषित किया और बैठ गया वर्करों के पैसे पर। खुद तो ऐश कर रहा था और दुनिया को दिखाने के लिए कंगाल और दिवालिया। इतने बड़े फ्रॉड आदमी को ना जेल में होना चाहिए था। वही तो, जेल में ही होना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे फ्रॉड्स करने के बावजूद भी ये आदमी बाहर कैसे, जेल में क्यों नहीं? पंकज पुलिस रिकॉर्ड चेक करो निर्जर के। सर पुलिस रिकॉर्ड तो है क्या? 5 साल पहले निर्जर कस्टडी में लिया गया था सर। ये मगर सर सिर्फ 1 घंटे के लिए। क्या सर 1 घंटे के लिए? कमाल है सर, 1 घंटे के लिए कौन जेल में जाएगा? इतना बड़ा फ्रॉड किया और सिर्फ 1 घंटे के लिए? ओ सर, ये फ्रॉड के लिए तो अंदर गया ही नहीं था, हिट एंड रन केस के लिए गया था। किसको उड़ाया इसने? ज्यादा डिटेल सब दिख नहीं रही इसमें। अरेस्टिंग ऑफिसर कौन है देखो? इंस्पेक्टर राणे, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। कैसे राणे साहब? हाँ ठीक है, बोलिए। जरा ये फोटो देखो राणे, इसका नाम निर्जर है और 5 साल पहले आपने किसी केस में अरेस्ट किया था इसे। हाँ याद है मुझे, इसे तो हमने हिट एंड रन केस में पकड़ा था। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ था? एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मगर बाद में पता चला कि गलती बच्चे की थी। बच्चे की गलती? कैसे? बच्चे भागते हुए अचानक रोड पे आ गया और इस कार से टकरा गया। अच्छा, अचानक भागते हुए आया, क्या क्या हुआ, क्या था? कोई इसको दौड़ा रहा था या वो किसी का पीछा कर रहा था? सर पतंग के पीछे। पतंग? हाँ सर, वो ऊपर देख के भाग रहा था पतंग पकड़ने के लिए, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो रोड पे आ गया। वैसे बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी, इतने सालों के बाद भी आपको निर्जर केस के बारे में सब कुछ याद है। सर ऐसे बेरहम इंसान को कौन भूल सकता है? बेरहम क्यों? माना एक्सीडेंट में उनकी गलती नहीं थी, कम से कम देखना तो चाहिए था ना कि बच्चे का क्या हाल हो गया। उसको बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट था टाइम पे मीटिंग में पहुंचना। उस बच्चे का बाप अभी भी याद है मुझे। क्यों, कुछ किया था क्या उसने? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? सर कुछ नहीं किया इसीलिए तो याद है, ना कुछ कहा ना कुछ सुना। जब उसे पता चला कि निर्जर को छोड़ना पड़ रहा है तो पुलिस स्टेशन के बड़ा ऐसे खड़ा रहा जैसे सांप सुन गया हो, जो कोई फर्क नहीं पड़ा हो, फिर वो चला गया। उसका फोटो तो होगा ना आपके पास? सर वो ओपन एंड शट केस था, एक्सीडेंट साबित होने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, नाम हम तो लिखा होगा ना उसके? हाँ सर, एक मिनट, कदम वो निर्जर केस की फाइल देना। सर ये देखिए बच्चे का बाप का नाम, फोन नंबर और एड्रेस भी है। पवन कुमार, शंकर नगर। बेटी एड्रेस फोन नंबर वगैरह नोट कर लो जरा। महावीर जी, तो वो निर्जर के हिट एंड रन केस से एक लीड मिला है। एक्सेलेंट। एक बच्चे की मौत हुई थी,
उसके पिता का नाम और एड्रेस मिला है सर। बस अभी अभिजीत उसके माता पिता से जाकर मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो। यस सर। ओके सर। रेडी सर। तुम जरा राणे साहब के साथ मिलके उस पवन कुमार का स्केच बनवा लो, तब तक मैं उसके घर जाके देखता हूँ। क्या हुआ साहब, आज सुबह आप पतंग उड़ा के गए, फिर पूछताछ भी की, अब क्या हो गया? ये आप लोग इतने ही हो, यहाँ पे तो 5 गार्ड लिखे हैं, ये पांचवा कहाँ है? हाँ साहब, शंकर आया था कुछ महीने पहले नौकरी पे, फिर अचानक साहब आज सुबह नौकरी छोड़ के चला गया। नौकरी छोड़ के चला गया क्यों? पता नहीं साहब, वो गांव से उसके लिए कोई बुरी खबर आई थी तो बिना बोले साहब चला गया साहब। कल रात जब खून हुआ तो शंकर तो था, उसके बाद घर गया है। ओहो, अच्छा इस शंकर का फोटोग्राफ है या एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके रिकॉर्ड्स में? फोटो तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ एड्रेस लिखा हुआ है साहब, ये देखिए। हाँ सर, एड्रेस तो मिल गया है, पर मुझे लग रहा है कि ये एड्रेस गलत हो सकता है सर। शंकर ने खून किया सर, फिलहाल तो फरार है, पर उसने निर्जर को क्यों मारा होगा ये मकसद तो समझ में नहीं आ रहा है। सर ये पवन कुमार के घर में तो ताला लगा हुआ है, पड़ोसी बता रहे थे कि बच्चे के एक्सीडेंट के 2-3 साल के बाद उसकी माँ ने उसके गम में आत्महत्या कर ली। और ये पवन, पवन का क्या हुआ? सर वो तो 3 साल पहले ही घर छोड़ के चला गया, उसके बाद से वापस नहीं लौटा, मुझे तो इसी पे शक है सर। एक मिनट अभिजीत, ये पवन 3 साल पहले घर छोड़कर चला गया और फिर अचानक अब जाग उठा बदला लेने के लिए, क्या कर क्या रहा था 3 साल तक? एक मिनट सर, एक मिनट अभिजीत, ये पवन अपने घर से कितने साल से गायब है? ये 3 साल पहले। क्यों 3 साल से? अच्छा सर, वो पवन कुमार का स्केच बनने वाला था, बन गया वो? देखता हूँ। महाराणी कितनी देर लगी? बस अभी हो जाएगा। गुड। दया थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं सर, सब समझ में आ गया, ये केस अब एकदम कांच की तरह साफ है सर। कांच की तरह साफ हो गया मतलब? क्या कहना क्या चाहते हैं? सर मैं कुछ काम करना भूल गया हूँ सर, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ सर ब्यूरो। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ यार, आज नींद नहीं आई। अरे कैलाश शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज हमने एक मुजरिम को पकड़ लिया। अच्छा हाँ, वो शंकर, उसने गलत एड्रेस लिख दिया था, उसे खुद लिखा था क्या? नहीं साहब, शंकर तो अनपढ़ है। अच्छा, तो फिर रजिस्टर में एड्रेस कैसे लिखा? जी साहब मैंने। तो यहाँ जितने भी नए गार्ड आते हैं उनका नाम नंबर एड्रेस सब तुम्हें लिखते हो? जी सर। अरे हाँ, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, सारे रिकॉर्ड्स तो तुम ही रखते हो, कौन सिक्योरिटी गार्ड काम पे कब आता है, कब नौकरी छोड़ के चला जाता है, ये सारी तैयारी तो तुम ही करते हो। वैसे कैलाश कितने साल से नौकरी कर रहे हो इस बिल्डिंग में? 3 साल से। 3 साल से? 3 साल से वो खूनी भी गायब है। निर्जर के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं, पवन कुमार। पवन कुमार सर, हमारा नाम तो कैलाश है साहब, वो आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है हमको पहचानने में। लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है मिस्टर पवन कुमार। ये क्या है साहब? हाँ क्या है साहब, आपको कोई नहीं मिला तो एक गरीब को फंसा रहे साहब। अच्छा, हाँ सर, मैंने मारा निर्जर को, उसने मेरे बच्चे की जान ली सर, मेरे संजीत को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मेरी पत्नी संजीत की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए, खुदकुशी कर ली। निर्जर ने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं मारा साहब, ये 2-2 खून किए,
उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है था। इसे बेरहम नीच आदमी का मर जाना ही अच्छा था। पवन, निर्जर अच्छा आदमी नहीं था, हमें भी पता है, मगर उसने तुम्हारे बेटे को जानबूझकर नहीं मारा। गलती तुम्हारे बेटे की थी, वो खुद पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते निर्जर के गाड़ी के सामने आया। गलती मेरी है, मैंने उसे सिखाया था पतंग बनाना, पतंग उड़ाना, सब कुछ। उसे बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, पतंग के पीछे भागने का। काश काश मैं उस दिन से रोक लिया होता। देखो, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो मेरे बच्चे को बचा सकता था ना। क्या मतलब? जब पुलिस ने उसको रिहा किया तो आप बच्चे को अस्पताल तो लेके जा सकते थे ना। बच्चे की हालत देखी थी आपने, कौन से लतपत था वो? अगर मेरी गाड़ी की सीटें खराब हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने कसम खा ली थी साहब, जिस तरह एक पतंग ने मेरे संचित की जान ली, निर्जर की मौत भी पतंग से ही होगी साहब, पतंग से ही होगी। और इसीलिए तुमने वन वीआर बिल्डिंग में नौकरी शुरू कर दी, ताकि तुम अपना बदला आसानी से पूरा कर सको। पिछले कुछ सालों में वन विहार में जितनी भी चोरियां हुआ करती थी, वो सब मैंने ही करवाई थी, ताकि किसी को भी छत पे जाने की अनुमति ना मिले। फिर रोज पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगा। निर्जर पर ध्यान रखने लगा कि छत पे कब जाता है, कितनी देर रहता है। मुझे पता था कि कौन से कोने में उसका मोबाइल का नेटवर्क का टावर मिलता है। वो हमेशा बात करने वहीं आता था साहब, और मैंने सोच लिया था उसे वहीं मारूंगा। पर उसे मारने के लिए मैंने मांझा बनाना शुरू कर दिया। काली पतंग बनाई, मैं तैयार था साहब, बस हवा का रुख और तेजी का इंतजार था मुझे। पर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली, सब कुछ सही था। मैंने निर्जर के मोबाइल पे फोन किया, पतंग उड़ाई और उसका गला काट दिया। जिस मांझे से तुम अपनी जिंदगी का इंसाफ करना चाहते थे, उसी मांझे ने तुम्हारी जिंदगी की रेखा बदल दी। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। हाय बनी, ये आपके लिए। ये किस लिए? केस सॉल्व करने में आपने हमारी मदद की है, इसलिए हमारी तरफ से ये थैंक यू गिफ्ट। लेकिन जब तुम पतंग उड़ाओगे जरा संभाल के, तो तुम्हारे मम्मी या पापा साथ में हो तभी उड़ाना, अकेले नहीं। जैसे तुम टेलीस्कोप से स्टार्स देखते हो ना, वैसे ही जब तुम ये पतंग उड़ाओगे मैं इसे देखूंगा। प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।